सुंदरता का वर्णन बहुत लोगों ने किया, पर तुलसीदास जी का वर्णन देखना। यद्यपि कालिदास भी कहते हैं जगतः पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो, वो भी माता पिता के रूप में मानते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं मात पिता महेश भवानी, दोनों की मान्यता एक है, वर्णन अलग अलग है। एक लाइन करहिं विविध विधि भोग विलासा। और जब विलास की बात आए तो केवल विलासिता ही नहीं है, तात्विक दृष्टि से देखो तो पार्वती और शिव का विलास राम कथा है। एक वाक्य है वाणी का विलास, वाणी का विलास हम दूसरे की निंदा और स्तुति में करते हैं, पर जो वाणी राम कथा के तत्व को जानने की जिज्ञासा व्यक्त करे वही वाणी महान है। यहां विवाह के पश्चात की स्थिति देखना, एक गृहस्थ विवाह के बाद उसका संवाद कैसा होना चाहिए, यह दर्शन शिव का है। विवाह के बाद का संवाद क्या होना चाहिए, अभी अभी विवाह हुआ और विवाह होकर के आए कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए तो मैया पार्वती ने प्रश्न कर दिया, घूमने जाने का प्रश्न नहीं किया कि कहां चलते हो गर्मियों में छुट्टियां मनाने, ये नहीं पूछा। ये देखो एक गृहस्थ जीवन की पवित्रता कितनी हो सकती है, ये शिव चरित्र से समझा जाए। इसलिए राम कथा की जो प्रवेशिका है वो शिव चरित्र से है। एक विशिष्ट गृहस्थ ही राम कथा की प्रवेशिका तैयार कर देता है। पर दाम्पत्य महादेव जैसा, महादेव जैसा दाम्पत्य जिसके उतंग शिखर से राम कथा प्रवाहित होती है और सारे संसार को राम कथा निमग्न कर देती है, सराबोर कर देती है, रसाभिक्त कर देती है, रस से परिपूर्ण कर देती है। स्वामी एक प्रश्न है, पर यह जिज्ञासा है कुतर्क नहीं, शास्त्रों ने तर्क का विधान किया है। हमारे यहां एक ग्रंथ है तर्क शास्त्र, तर्क संग्रह, तर्क हम कर सकते हैं पर कुतर्क नहीं कर सकते हैं। हम जिज्ञासा तो कर सकते हैं, ब्रह्म सूत्र का मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पर पूछने का तरीका जैसे पार्वती ने पूछा। आजकल भी लोग पूछते हैं सुदामा के पिताजी का क्या नाम था, कुतर्क, न तुमको कुछ मिलना है न हमको कुछ मिलना है। ये एक भारतीय दाम्पत्य, उसका प्रारंभीकरण, उसकी पीठिका कैसे प्रारंभ होती है। हे नाथ, हे महादेव, हे शशि शेखर, हे शंभु, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं, पर अब सती के जैसा पागलपन नहीं है, स्पष्ट कर रही हूं। आपने यद्यपि मुझे सती के रूप में बहुत समझाया पर मैं नहीं समझी, पर अब सती जैसा विमोह नहीं है, अब राम को जानने की जिज्ञासा है। नाथ मैं जानना चाहती हूं राम कौन है। जो बात याग्वल्ग और भरद्वाज जी, जो बात कुंभज ऋषि से आश्रम से निकलकर मैया सती और शिव, आज तीसरी बार फिर वही प्रश्न कि राम कौन है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए,
देवी मेरा विवाह करना आज सफल हो गया। तुम्हारे प्रश्न ने मुझे अभिभूत कर दिया। कदाचित तुम ये पूछ लेती कि मकान कब बना रहे हो, तो फिर से समाधि में जाना पड़ता। दरवाजे कब लगा रहे हो, तो समाधि में जाना पड़ता। लेकिन मेरे विवाह का जो हेतु है, हेतु ही नहीं परम हेतु है, वो तुमने पूछ लिया। तो सरकार कृपा करके बताओ ना, राम कौन है? बाबा भोलेनाथ ने कहा कि राम की चर्चा संत मुनिषि वेद पुराण शास्त्र सब करते हैं। पूरी दुनिया को नचाने वाला यदि कोई सूत्रधार है पार्वती, तो मेरे स्वामी राम है। कहते हैं काशी में मरने वाले की मुक्ति होती, मरणम यत्र मंगलम, काशी मुकुत हेत उपदेशो। तो बाबा ने किसी से पूछा, बाबा से पूछा कि आप यहां मरने वाले को मंगल कैसे देते हो? कहा राम नाम के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से। देवी आज आपके प्रश्न ने मुझे आनंदित कर दिया। तो सरकार बताओ ना, फिर वही प्रश्न, यदि परमात्मा राम ब्रह्म है, अनीह है, अकल है, अभेद है, कण कण में व्याप्त परमात्मा है, तो दशरथ का बेटा कैसे बनता है? जिसके उदर में पूरी दुनिया रहती है, वो किसी के उदर में प्रवेश कैसे करता है? कौशल्या के पेट में वो छोटा कैसे बन जाता है? जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विलसित होते हैं, वो असीम ब्रह्म ससीम कैसे हो जाता है? पर ये प्रार्थना है, जिज्ञासा है, कुतर्क नहीं है। स्पष्ट कर दिया, तब कर अस विमोह अब ना विमोह अब नाही, तब कर अस विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही, प्रथम सुकार कहूं विचारी, प्रथम सुकार कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बापु धारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण है। बताओ ना, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है,
दशरथ नंदन राम कैसे बने, जानकी जी से विवाह कैसे हुआ, और फिर राज का त्याग कर कर दंडकारण्य में राम क्यों पधारे। बाबा प्रसन्न हो गए। कभी कभी प्रसन्न प्रश्न भी कर देता है, पर प्रश्न प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। कुछ लोगों के तो प्रश्न ही ऐसे होते हैं महाराज, क्योंकि जिनको बोलना ही नहीं आता है। एक राजा ने बड़ा सुंदर मकान बनवाया, बहुत सुंदर, तो एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, महाराज आप देखो ना ये कमरा हमारा बेडरूम कैसा है। उन्होंने देखा और देख करके कहा कि मकान तो सुंदर है, कमरा भी बहुत अच्छा है, पर जब तुम मरोगे ना तो दरवाजा छोटा है, निकालने में दिक्कत होगी। तो उसको बहुत क्रोध आया कि अभी जिंदगी शुरू ही नहीं हुई और ये मरने की बात करता है, कारागार में डाल दो इसको। दो तीन दिन बीत गया, पिताजी नहीं आए तो बेटा गया पीछे से, भाई हमारे पिताजी आए थे, लौट कर नहीं गए। क्या बात है? राजा ने कहा तुम्हारे पिता को बोलना नहीं आता है, क्यों? इतना सुंदर मकान बनाया, बेडरूम दिखाया, क्या बोला तुम्हारे पिता ने पता है? क्या बोले? कि तुम मर जाओगे तो दरवाजा छोटा है, निकालने में दिक्कत होगी, ऐसे बोलना चाहिए। बेटे ने कहा क्षमा कर देना पिताजी, हमारे सीधे साधे हैं, आप मर जाओगे तो दरवाजा तोड़ के निकाल लिया जाएगा। तो कहा कि ये भी ठीक आदमी नहीं लग, इसको भी बंद करो, ये सब एक से एक है। अब पुत्र और पति खो गया तो देवी जी पधारी, और देवियों की वाणी तो आप जानते हो, इनकी इनकी वाणी में जादू होता है। आप लोगों को नहीं कर रहे, हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग तो अच्छी हैं। एक माता जी तो अपने जीव की पूजा कर रही, रोली मोली अच्छत चंदन दशहरा के दिन। तो लोगों ने पूछा कि लोग चाकू तलवार बंदूक शस्त्र पूजते हैं, तुम जीव पूज रही हो? बोली हमारा तो यही सबसे बड़ा शस्त्र है, चाहे तो महाभारत करा दें और चाहे तो रामायण करा दें। ये तो वाणी का तो पत्नी गई, महाराज हमारे पुत्र को और हमारे पति को आपने बंदी बना लिया? हां बना लिया, क्यों? दोनों को बोलना नहीं आता। मकान के उद्घाटन में बुलाया था, एक कहता है कि मर जाओगे तो निकलोगे कैसे, और दूसरा कहता है कि दरवाजा तोड़ के निकल, ऐसा बोला जाता है। पत्नी ने कहा हमारे पति भी भोले, हमारा पुत्र भी भोला महाराज, दोनों को बात समझ में नहीं आती। अरे निकालने की क्या जरूरत है, कमरे में ही आग लगा दिया जाएगा। तो बोलना भी आ जाए ना, ये भगवान की कृपा है। इसलिए उठना बैठना और बोलना ये प्राइमरी है, पहले इसे सीखा जाए। बोले कैसे, उठे कैसे, बैठे कैसे? कोई कोई सभा में आके बैठे तो सबको डिस्टर्ब कर देगा, खड़बड़ खड़बड़ इधर उधर। एक आदमी आके कब बैठा और कब चला गया किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये उठना बैठना और बोलना भी एक कला है। मां ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा यद्यपि सरकार मैं अधिकारी तो नहीं हूं, पर कृपा करके आपसे इन जिज्ञासाओं का हल चाहती हूं। तो ऐसा प्रश्न सुनकर महादेव प्रसन्न हो,